लो जी, आज फिर से मैं आपको बुजुर्गों की बात सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बोलते नहीं है, मगर जब ये बोलते हैं इनकी बातें बड़ी खतरनाक होती हैं दोस्तों। मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी के घर किसी की शादी थी, वो वहां पर चले गए। वहां पर गए, आपको पता है जो पुराने जमाने के लोग हैं, 4 दिन पहले ही कहीं पर चले जाते थे। तो 4 दिन पहले वो भी पहुंच गए और वहां जाकर उनकी दिन में इतनी सेवा की पूछो ही मत दोस्तों। सेवा दिन में तो कर दी, मगर रात को पता है ठंड के दिन थे और जल्दी आदमी सोचता है खाना खाकर मैं जल्दी से सो जाऊं। लो जी, उन्होंने खाना खाया और सोने के लिए कमरे में चले गए। अभी रजाई में घुसे थे, 15-20 मिनट हो गए, रजाई गर्म होने शुरू हुई ही थी कि उधर से एक आदमी आ गया। बाबा जी, आप गलत जगह पर सो गए हो, ये जो कमरा है ना ये मेरा है, आप ऐसे कीजिए साथ वाले कमरे में सो जाइए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। बाबा जी उठे, चलो कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। वो उठकर साथ वाले कमरे में चले गए। साथ वाले कमरे में गए, अभी 20 मिनट हुए थे उन्हें रजाई में, अभी रजाई गर्म होनी शुरू हुई ही थी, फिर से 20-25 बच्चे आ गए, लड़कियां आ गई गाने गाते गाते, और बोलने लगी, बाबा जी आप ऐसे करो ना, आप ना साथ वाले कमरे में सो जाओ, हमने अंताक्षरी खेलनी है, फिर आप कहोगे कि हम आपको तंग कर रहे हैं, आप ऐसे करो साथ वाले कमरे में चले जाओ। बाबा जी फिर से उठे और उठकर चले गए साथ वाले कमरे में। जाकर उन्हें अभी आधा घंटा ही हुआ था रजाई में, फिर से एक बुढ़िया औरत आ गई और आकर बोलने लगी, बाबा ऐसा है कि ये जो रजाई है ये मेरी है और ये कमरा भी मेरा है, तो आप ऐसे कीजिए, आप साथ वाले कमरे में जाकर सो जाइए। बाबा जी को गुस्सा चढ़ गया और गुस्से में आकर बोले, अबे तुमने मुझे यहाँ पर शादी देखने के लिए बुलाया कि रजाइयाँ गर्म करने के लिए?